गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बर्थ चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आप चाहें तो नोटबुक में लिखें, चाहें तो नहीं, क्योंकि टेक्स्ट बुक रीडिंग इम्पॉर्टेंट है, तो टेक्स्ट बुक में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं फॉर एग्जांपल आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपसे डिस्कस कर रही हूँ। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस हो जाएंगे, तो आपको पता भी चल जाएगा ऐसे किसी भी लाइन से या कोई भी कैरेक्टर पर आपका क्वेश्चन आ सकता है किसी भी चैप्टर में से। वाई वॉज जो मॉर्गन वेटिंग फॉर एंड्रयू? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट पेज पे ही आपका ये आंसर है। जो मॉर्गन एंड हिज वाइफ हैड बीन मैरिड नियरली 20 ईयर्स एंड वर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड। जो मॉर्गन और उनकी वाइफ सुजन मॉर्गन का शादी के बाद 20 साल बाद बेबी होने वाला है। एट अर्ली मिडनाइट जो वॉज वरिड एंड वॉकड अप एंड डाउन वेटिंग फॉर एंड्रयू टू रीच बोरियांगर। तो अर्ली मिडनाइट में ही, शुरू में ही, लगभग 11-12 बजे के करीब ही जो मॉर्गन वेट कर रहे हैं डॉक्टर एंड्रयू मेंशन का, उनके बोरियांगर उनके क्लिनिक और घर के बीच में चक्कर काट रहे हैं। क्वेश्चन नंबर टू, एंड्रयू वॉज फेल्ट एंड डल एंड लिस्टलेस, गिव टू रीजन्स। डॉक्टर एंड्रयू मेंशन वॉज फीलिंग वेरी डल, वेरी हेयर डल मीन्स फीलिंग वेरी सैड एंड लिस्टलेस, ही वॉज नॉट फीलिंग इम्पॉर्टेंट। उनको लग रहा था कि लाइफ में मेरी कोई इम्पॉर्टेंस ही नहीं है। ऑन जो मॉर्गन्स कॉल, एंड्रयू अलॉन्ग विद जो सेट आउट फॉर जोज हाउस। दोनों जो मॉर्गन के बुलाने पर चल पड़े, डॉक्टर एंड्रयू मेंशन भी और जो मॉर्गन भी उनके घर पर। द नाइट एयर वॉज कूल एंड डीप एंड क्वाइट एंड मिस्टीरियस, मिस्ट्री वॉज देयर। रात बड़ी ठंडक, गहरी और रहस्यमयी लग रही थी। बट एंड्रयू वॉज फेल्ट डल एंड लिस्टलेस, एंड्रयू को लग रहा बड़े उदास फील हो रहे थे। उनको लग रहा था कि उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है लाइफ में। बिकॉज इट वॉज पास्ट मिड नाइट दैट ही वॉज रिफ्लेक्टिंग अबाउट हिज ऑन रिलेशनशिप विद क्रिस्टाइन। क्योंकि आधी रात से ही, पिछली रात से वो सोच रहे थे अपने रिलेशनशिप्स के बारे में, अपनी बिलव्ड क्रिस्टाइन के साथ, द गर्ल ही लव्ड। उनके साथ उनकी कुछ अपसेट हो गई थी, उसने उनसे शादी करने से मना कर दिया था और किसी और से शादी कर ली थी, तो उसके बारे में परेशान थे। नाउ द क्वेश्चन थ्री, व्हाट डिड एंड्रयू नोटिस वॉज ही एंटर्ड जोज हाउस। तो क्या नोटिस किया उसके घर पे एंटर करते ही? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हाउस वाज नॉट वेल फर्निश्ड, बट इट वाज नीट एंड क्लीन, बट नैरो स्टेयर्स वर देयर। एज एंड्रयू एंटर्ड द डोर ऑफ नंबर 12 बेलिना टेरेस, ही सॉ द नैरो स्टेयर्स, टाइट स्टेयर्स थी, विच लेड अप टू अ स्मॉल बेडरूम, क्लीन बट पुअरली फर्निश्ड। साफ़ सुथरा घर था, लेकिन फर्नीचर वगैरह बाकी सब चीज़ें ऐसा नहीं था कि बड़ी नई नई हों। एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प। हेयर मिसेज मॉर्गन्स मदर, अ टॉल ग्रे हेयर्ड वुमेन। सुजन मॉर्गन की मदर एक ओल्ड लेडी वहाँ पर थी, सफ़ेद बालों वाली, ऑफ नियरली 70 एंड स्टाउट, थोड़ी झुकी हुई थी। एल्डरली मिडवाइफ वेटेड बिसाइड द पेशेंट। और एक मिडवाइफ थी जो पेशेंट मिसेस सुजन मॉर्गन के साथ बैठी थी, मिडवाइफ नर्स लगा सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट वाज ओल्ड वुमेन्स फियर। बूढ़ी औरत जो मिसेस मॉर्गन की मदर थी, उनका क्या डर था? हाउ डिड डॉक्टर एंड्रयू रीअश्योर हिम, कैसे सांत्वना देते हैं? व्हेन द ओल्ड वुमेन रिटर्न विद अ कप ऑफ टी, एंड्रयू स्माइल्ड फेंटली। जब ओल्ड वुमेन वापस आई चाय के कप के साथ, तो एंड्रयू स्माइल करने लगे हल्का सा। ही नोटिस दैट द ओल्ड वुमेन हर विजडम एंड एक्सपीरियंस एंड रियलाइज दैट देर हैड बीन अ पीरियड ऑफ वेटिंग। तो उन्होंने महसूस कर लिया था कि बूढ़ी औरत काफ़ी बुद्धिमान है, अनुभवी हैं, और उन्हें पता था कि काफ़ी इंतज़ार का समय है। शी वॉज अफ्रेड ही वुड लीव द केस, सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर, बट ही अश्योर्ड हर दैट ही वुड नॉट रन अवे। तो बूढ़ी औरत को भी समझ में आ गया था कि अभी इंतज़ार करने का टाइम है, तो उन्होंने
डॉक्टर ये कहकर चला ना जाए कि मैं बाद में आता हूँ, चाय में बिज़ी रखा। और ये चीज़ डॉक्टर एंड्रयू मेंशन समझ गए थे और उन्होंने बूढ़ी औरत को एश्योरेंस दी कि वो कहीं भी नहीं जा रहे, कहीं दौड़कर नहीं जा रहे, तो केस को पूरा अटेंड करके ही जाएंगे। नाउ क्वेश्चन 5, व्हाट वर द ओनली साउंड्स दैट एंड्रयू हर्ड इन द थिक ऑफ द नाइट। अंधेरी रात को, गहरी रात में कौन सी आवाज़ डॉक्टर एंड्रयू मेंशन को सुनाई दे रही थी। एज एंड्रयू सैट बाय द किचन फायर ही नोटिस दैट इट वॉज अ स्टिल नाइट। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बिल्कुल शांत रात है। द ओनली साउंड दैट कुड हियर वॉज द क्रैकल ऑफ एम्बर्स इन द फायर प्लेस। कोयले के कड़कने की आवाज़ आग में आ रही थी। द स्लो टिक टॉक ऑफ वॉल क्लॉक में टिक टॉक की आवाज़ एंड मॉर्गन्स फुटस्टेप, मिस्टर जो मॉर्गन्स फुटस्टेप्स। आपको ध्यान होगा कि जो मॉर्गन जब डॉक्टर के साथ आए थे तो वो घर के अंदर नहीं आए थे, उन्होंने बोला था कि मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। वो बाहर चहलकदमी कर रहे थे, चल फिर रहे थे, उनके पाँव की आवाज़ आ रही थी। ही मूव्ड इन टू एंड फ्रो, आगे पीछे घूम रहे थे इन द स्ट्रीट आउटसाइड, बाहर गली में। तो ये तीन आवाज़ें थी, आग में कोयले कड़कने की, क्लॉक की और जॉ मॉर्गन के फुटस्टेप्स की। नाउ द क्वेश्चन सिक्स, व्हाट वॉज वेइंग ऑन एंड्रयूज़ माइंड एज ही वेटेड विद द पेशेंट। जब पेशेंट के साथ वेट कर रहे थे तो एंड्रयू मेंशन के दिमाग में क्या चल रहा था। एंड्रयूज़ थॉट्स वर हैवी, बड़े ही मन भारी हुआ था उनके विचार। मडल्ड होता है, कन्फ्यूज थे उनके विचार। द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन पर जो उन्होंने देखा था स्टिल ग्रिप्ड हिम एंड मेड हिम ग्लूमी। वो अभी भी उनके दिमाग में चल रहा था। ही थॉट ऑफ ब्रैमवेल फुलिशली लॉयल टू अ वुमन। वो ब्रैमवेल के बारे में सोच रहे थे जो उस व्यक्ति औरत के प्रति मूर्खता से बड़ी वफादारी दिखा रहा था। हु डिसीव्ड हिम, जिसको डॉक्टर एंड्रयू मेंशन, जिस लेडी ने डॉक्टर एंड्रयू मेंशन को धोखा दिया था। ही थॉट ऑफ एडवर्ड पेज, वो डॉक्टर एडवर्ड पेज के बारे में सोचने लगा। टाइड टू द श्यूश बॉडविन एंड डेनी, जो लेडी ब्रॉडविन की डेनी से प्यार करते थे। लिविंग अनहैप्पीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ, जो नाखुश थे और उसकी वाइफ के साथ उनकी नहीं बन रही थी, वो अलग रह रहे थे। एट दैट टाइम क्रिस्टाइन, जो उनके विचार थे, क्रिस्टाइन जो एंड्रयू मेंशन की बिलावट थी, उसने ब्रैमवेल से शादी कर ली थी, ये विचार चल रहे थे। और उस समय डॉक्टर एंड्रयू मेंशन को ये लग रहा था कि दुनिया में सारी शादियां ही अनसक्सेसफुल होती हैं, और उनको एडवर्ड पेज के बारे में, जो डेनी के साथ उनकी शादी हुई, डेनी की बॉर्डर के साथ उनकी शादी हुई थी और वो अनहैप्पी थे, तो उनको लग रहा था कि शादियाँ अनसक्सेसफुल ही होती हैं। आदमी अगर खुश होता है तो उसको सारे खुशी वाले एग्जाम्पल दिखाई देते हैं, जब दुखी होता है तो उसको सारे दुखी वाले एग्जाम्पल दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वाई वॉज द राइटर से दैट द ओल्ड वुमेन्स मेडिटेशन हैड परसूड अ डिफरेंट कोर्स। राइटर ने ये क्यों कहा कि ओल्ड वुमेन की जो ध्यान था वो कहीं और था, उसको देखते ही डॉक्टर एंड्रयू मेंशन का ध्यान कहीं और क्यों चला गया। आंसर इज़ वाइल एंड्रयू वॉज थिंकिंग। क्वेश्चन समझ में आया बेटा, जो बूढ़ी औरत का जो ध्यान था वो एंड्रयू मेंशन को उसका ध्यान कहीं और ले गया। जैसे ही एंड्रयू मेंशन अपने बारे में सोच रहे थे, जैसे ही बूढ़ी औरत ने बात करी तो उनकी जो ध्यान था वो टूटा और वो उसकी तरफ आ गया, बूढ़ी औरत के केस के, बेटी के केस के बारे में। While Andrew was thinking about the futility of marriage, तो and relationship, वो सोच रहे थे कि शादियाँ कितनी अच्छी होती हैं या नहीं। The old woman was thinking about her daughter, उस समय बूढ़ी औरत अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी। She was concerned about both the mother and the child, वो अपनी बेटी और उस बेटी के आने वाले बच्चे दोनों के बारे में सोच रही थी। She said that her daughter Susan did not want chloroform if it would harm the baby, उन्होंने ये बोला कि उनकी बेटी ने ये कहा है कि अगर
क्लोरोफॉर्म एनेस्थीशिया होता है, बेहोश करने की मेडिसिन, अगर वो बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी तो उनकी बेटी ने डॉक्टर को बोलने के लिए कहा है कि वो मेडिसिन उनको ना सुंघाई जाए। शी रियली लुक्ड फॉरवर्ड टू हैविंग द चाइल्ड, क्योंकि वो वास्तव में इस बच्चे को बहुत ज़्यादा चाहती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिलेमा वाज एंड्रयू कॉट इन, हाउ डिड ही रिजॉल्व इट। डिलेमा कन्फ्यूजन, कौन सी कन्फ्यूजन या दुविधा में डॉक्टर एंड्रयू मेंशन थे जो बाद में उनकी सॉल्व हो गई। आंसर, आफ्टर एन आवर लॉन्ग स्ट्रगल, एक घंटे के संघर्ष के बाद द चाइल्ड वॉज बॉर्न लाइफलेस, बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, एंड द मदर वॉज इन क्रिटिकल स्टेट, और मदर की हालत भी बहुत गंभीर थी। एंड्रयू वॉज टॉर्न बिटवीन हिज डिज़ायर टू अटेम्प्ट टू सेव चाइल्ड, एंड्रयू टूट चुके थे और वो इस चीज़ को सोच रहे थे कि वो बच्चे को बचाएं या फिर मदर को बचाएं, क्योंकि उनकी ड्यूटी दोनों को बचाना था, एंड हिज़ ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स हिज मदर। ही ओवरकेम द डिलेमा, उसने अपनी दुविधा का सॉल्यूशन निकाल लिया। इंस्टिंक्टिवली ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स, और बच्चे को नर्स को दिया, एंड टर्न्ड हिज अटेंशन टू सूजन मॉर्गन, और अपना ध्यान पूरा सूजन मॉर्गन की तरफ लगाया। तो इस तरह से पहले सूजन मॉर्गन को ठीक किया और उसके बाद बच्चे की तरफ ध्यान दिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड ही रिवाइव द मदर, कैसे मदर को, और आगे एक और क्वेश्चन आएगा कि बच्चे को कैसे बचाया, रिसिकेट द चाइल्ड, तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मदर को कैसे बचाया यहाँ पर, टू रिवाइव सूजन मॉर्गन, मदर को बचाने के लिए, हु ले कोलैप्स्ड, जो गिरी हुई थी, एंड ऑलमोस्ट पल्सलेस, जिसकी धड़कन ऑलमोस्ट ख़त्म थी। एंड्रयू स्मैश्ड अ ग्लास एम्प्यूल, ग्लास एम्प्यूल मैंने पहले भी बात करी थी बेटा, जो कांच की शीशी जिसमें इंजेक्शन वाली मेडिसिन होती है, एकदम तोड़ दी उसने ऊपर से, इंस्टेंटली एंड इंजेक्टेड द मेडिसिन, और हाइपोडर्मिक सिरिंज, सिरिंज को हाइपोडर्मिक बोला जाता है, इकट्ठा होता है वर्ड, हाइपोडर्मिक सिरिंज उसमें भर ली। देन ही फ्लंग डाउन द हाइपोडर्मिक सिरिंज एंड वर्क सीजलेसली, और उन्होंने फटाफट सीजलेस, सीज होता है स्टॉप, बिना रुके उनको मेडिसिन दे दी, टू रिवाइव ऑलमोस्ट लाइफलेस मदर, जो ऑलमोस्ट लाइफलेस होती जा रही थी, उस मदर को दे दी, इंजेक्शन लगा दिया। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ इंटेंस एफर्ट, काफ़ी कोशिश के बाद, कुछ मिनट के बाद, हर हार्ट स्ट्रेंथन एंड शी वॉज सेफ, उनका हार्ट स्ट्रांग हो गया और वो सेफ हो गई। What did Andrew think was wrong with the child? What did he do? Andrew saw, आपको क्या लगता है कि बच्चे को क्या गलत हुआ था बच्चे के साथ, और उसने डॉक्टर एंड्रयू मेंशन ने क्या किया। Andrew saw the child was perfectly formed boy. Andrew ने देखा बच्चा बिल्कुल, बॉडी बिल्कुल बनी हुई है उसकी, परफेक्ट बॉय है। The head lolled on thin neck, क्योंकि उसमें जान नहीं थी तो लुढ़क रहा था सर इधर उधर, एंड द लिम्स सीम्ड बोनलेस, क्योंकि जान नहीं है तो उसमें बिल्कुल ऐसे लग रहा था हड्डियाँ ही ना हो। ही न्यू दैट वाज वाइटनेस मेंट एस्फेक्सिया पैलिडा, एस्फेक्सिया पैलिडा होता है बेटा किसी का सांस घुटने से चेहरा सफ़ेद पड़ जाना। ही थॉट ऑफ द ट्रीटमेंट, ऐसा ट्रीटमेंट सोचा डॉक्टर एंड्रयू मेंशन ने। ही रिमेंबर्ड बीइंग यूज्ड इन स्मार्टियन, जो उन्होंने स्मार्टियन में देखा था। बेटा एक्सपीरियंस मैटर करता है डॉक्टर का, यहाँ पर अगर बुकिश नॉलेज अप्लाई करता तो चाइल्ड को डेड डिक्लेयर कर देता, लेकिन उसने एक केस देखा था कि कैसे सांस वापस लाई जा सकती है। ही अप्लाइड द सेम टू द स्टिल बॉर्न चाइल्ड, उस बच्चे के साथ सेम उसने ट्रीटमेंट दिया, उसको रब किया, उसको ब्रीदिंग ट्रीटमेंट दिया, ठंडे गर्म पानी में डाला और बच्चे की सांस वापस आ जाती है, और नाक से जो बुलबुला फंसा हुआ था जिसके कारण वो सांस नहीं ले रहा था, वो बुलबुला निकल आया और ब्लॉकेज निकल गई और उससे वो बच्चा सांस लेने लगा। नाउ क्वेश्चन 11, व्हाट वाज द ट्रीटमेंट गिवन टू द चाइल्ड, बच्चे को क्या ट्रीटमेंट दिया गया। एंड्रयू हरिड द चाइल्ड फ्रॉम वन बेसिन फिल्ड विद कोल्ड वाटर एंड अदर वार्म वाटर, वार्म वाटर ल्यूक वार्म है यहाँ पर,
तो एंड्रयू ने ठंडे गर्म पानी में बच्चे को भिगोया. ही कंटिन्यूड हिज एफर्ट टू हाफ एन आवर टू नो अवेल. आधे घंटे तक ये कोशिश जारी रखी लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. लास्टली ही रब द चाइल्ड विद रफ टॉवल. रफ टॉवल से रगड़ा. क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट. छोटी सी छाती को बार बार दबाया विद बोथ हिज हैंड दोनों हाथों से. टिल द चाइल्ड फाइनली गेव अ क्राई. और अंत में बच्चा रोने लगा. उसकी सांस आने लगी. बेटा दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. दिस इज़ ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन टेक्सचुअल क्वेश्चन. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन ऑल्सो. नाउ द एक्स्ट्रा क्वेश्चन. Long extra question. Already I have told you, no need to write these question in the textbooks. Notebooks. Read the text. The question can come from any line of the text, from all the chapters. Long question. He had no premonition that this night call would prove unusual. Still less. That it would influence the whole future in Bellinley. तो Bellinley city में ये हैं. तो कोई भी पहले से आइडिया नहीं लगा था डॉक्टर एंड्रयू मेंशन को कि ये जो रात को बुलावा आया है वो कैसे unusual अद्भुत प्रूव होगी. अब डॉक्टर के लिए बेटा जब भी कोई कॉल आती है उसको पहले से पता नहीं होता कि ये केस बिगड़ जाएगा या फिर ये केस इतना अच्छा हैंडल हो जाएगा कि डॉक्टर जब कोई केस संभाल लेता है डॉक्टर किसी की लाइफ बच जाती है तो उसकी बड़ी पब्लिसिटी हो जाती है. हमारा अगर कोई फैमिली मेम्बर बचता है तो हम रिकमेंड करते हैं कि वो डॉक्टर बहुत अच्छा है. अगर बिगड़ जाता है तब भी हम कहते हैं उस डॉक्टर के पास मत जाना. तो डॉक्टर एंड्रयू मेंशन को जब जॉन मॉर्गन रात को बुलाने आए तो उनको कोई आइडिया नहीं था कि ये केस उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट हो जाएगा. वट वॉज़ द अनयूजुअल इवेंट इन स्टोर फॉर हिम. तो क्या था उनके स्टोर में, क्या ऐसा था. तो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ चुके हैं. तो उन्होंने एक लाइफ सेव करी थी जो उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी. एट नियरली मिड नाइट वेन एंड्रयू रीच बोरियोंगर. जब अपनी सर्जरी में पहुँचे हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल और घर के में ही फाउंड जॉ मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम. उन्होंने देखा जॉ मॉर्गन वेट कर रहा है. जॉ एंड हिज वाइफ हैड बिन मैरिड नियरली 20 years. 20 years हो गए थे शादी को. वर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड. 20 साल बाद उनका पहला बच्चा हो रहा था. ही अकंपनीड जॉ टू हिज प्लेस. उनके घर पे साथ चलने लगे. वेयर आफ्टर एन आर लॉन्ग हार्ड स्ट्रगल. जो बड़े लंबे संघर्ष के बाद द चाइल्ड वॉज बॉर्न लाइफलेस. बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ. एंड द मदर वॉज इन क्रिटिकल स्टेट. और मदर की हालत काफ़ी ख़राब थी. एंड्रयू वॉज टॉर्न बिटवीन हिज डिज़ायर टू सेव हिज चाइल्ड एंड हिज ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स मदर. एंड्रयू टूट चुके थे कि वो बच्चे को बचाएं या मदर को. आफ्टर ही रिवाइव्ड सूजन मॉर्गन. जब उन्होंने सूजन मॉर्गन को सेव कर लिया. ही टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड. बच्चे की तरफ ध्यान दिया. इट वॉज़ अ परफेक्टली फॉर्म्ड बॉय. ये बिल्कुल परफेक्ट बॉय था. एस्फेक्सीटेड. लेकिन इसका दम घुट गया था. ही स्ट्रगल टू सेव द चाइल्ड एंड फाइनली सक्सीडेड. और उन्होंने स्ट्रगल किया बच्चे को बचाने के लिए. हैविंग सेव टू लाइव्स इन कोर्स ऑफ द नाइट द फ्यूचर ऑफ Bellinley सीम टू बी होल्ड प्रॉमिस. तो Bellinley में उन्होंने रात को 2 लाइफ बचाई थी. तो उनका फ्यूचर Bellinley में लग रहा था कि काफ़ी प्रॉमिसिंग है, काफ़ी अच्छा है. डियर स्टूडेंट्स रिवाइज दीज क्वेश्चंस, रीड द टेक्स्ट एंड प्रिपेयर. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टेक्स्टुअल लिटरेचर सिलेबस ऑफ लिटरेचर टिल फाइनल एग्जामिनेशन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.